नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन। आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। वेकोली कन्हान क्षेत्र के श्रमिक संगठनों की सदस्यता हेतु मतदान हुआ प्रारंभ। 17 सितंबर को आएगा परिणाम। वेकोली कन्हान क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक संगठन BMS, HMS, ATEC, INTEC की सदस्यता हेतु GM कार्यालय में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 10 सितंबर तक चलने वाली मतदान प्रक्रिया में लगभग 2310 कार्यरत कर्मचारी मतदान करेंगे। संगठन चयन कर सदस्यता लेंगे, जिसका परिणाम 17 सितंबर को घोषित होगा। गौरतलब हो कि कोरोना काल के कारण संक्रमण से बचने के लिए कन्हान प्रबंधक द्वारा ई वोटिंग न कर मतपत्र जरिए मतदान कराया है, तो वहीं भीड़ बढ़ने की संभावनाओं के कारण 10 दिनों तक समय भी दिया गया है, जिसमें कार्यरत कर्मचारी आकर मतपत्र के सहारे संगठन का चयन करेंगे। कन्हान क्षेत्र में जो श्रमिक संगठन है और उनका चुनाव हो रहा है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? इसमें मताधिकार पत्र इस बार कंपनी ने डिसाइड करके सब जगह सर्कुलेट करी हुई है, तो पिछले वर्षों की तरह रसीदें काट के जमा नहीं की गई है। कंपनी ने ही मताधिकार पत्र दिया है, जिसको मजदूर आ रहा है और अपनी स्वेच्छा से भर के जमा कर दे रहा है। ये प्रक्रिया 10 दिन की चलेगी। अभी आज से मतदान प्रारंभ हुआ है और मजदूर आ रहा है अपनी अपनी, और इसकी गोपनीयता रखी गई है इस बार। तो इसके बारे में 17 तारीख को डिक्लेरेशन प्रबंधन द्वारा किया जाएगा कि किस संगठन में कौन कौन श्रमिक, कितने श्रमिक गए। ये जैसे कन्हान क्षेत्र में कुल कितने कर्मचारी अभी व्यवस्था और कौन कौन सी यूनियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? लगभग 2310 के आसपास हमारे ऑन रोल अभी कर्मचारी है। हाँ। कन्हान क्षेत्र में कार्य करते हैं विभिन्न इकाइयों में, और इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो 4 अलग अलग श्रमिक संगठनों को पार्टिसिपेशन है। इसमें ATEC है, BMS है, INTEC है और HMS है। 4 संगठनों का ये समझ लीजिए सदस्यता का अभियान जो चल रहा है, 1 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा। पूरे WCL लेवल पे ये चल रहा है, सारे WCL लेवल पे चल रहा है। तो क्या इस बार काफ़ी विशेष सावधानियां बरती गई हैं? सावधानियां है COVID-19 को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सावधानियां, दिशा निर्देश ऊपर से वेकोली से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये जो विपरीत परिस्थिति अभी चल रही है संक्रमण के वजह से, तो उन्होंने ये एहतियात तौर पे ये नई प्रक्रिया शुरू की है ताकि लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और ये संक्रमण से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। मत अधिकार पत्र जारी हुए हैं? एक अधिकार पत्र दे रहे हैं प्रबंधन की तरफ से, अधिकार पत्र दिया जा रहा है जिसमें उनके EIS नंबर और उनके नाम और डेजिग्नेशन अंकित है। आपको चारों जो 4 संगठन यहाँ पे अभी कार्यरत है, उसमें से किसी भी एक संगठन में एक कर्मचारी को उस संगठन का नाम अंकित करना पड़ेगा जिसमें वो जिसका सदस्यता वो लेना चाहता है। अपने जिले की सटीक व निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं घंटी दबाना ना भूलें।